वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप जो ये फोटो देख रहे हो स्क्रीन पर, मैं इस फोटो को फोटोशॉप में एडिट करूँगा। तो अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से करना, और चलो वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। पहले मैं इस फोटो को कैमरा रॉ फिल्टर में ओपन करूँगा। अब देख सकते हो यहाँ पर मैं पहले से कुछ सेटिंग्स करके रखा था, वही शो कर रहा है, जैसे कि एक्सपोजर, ब्राइटनेस, केल्विन मैं पहले से सेट करके रखा था। और HSL पैनल में थोड़ा बहुत मैं हाईलाइट, ह्यू और सैचुरेशन को और लुमिनेंस को पहले से थोड़ा बहुत चेंज करके रखा था। ओके, जब हो जाए तब मैं ओके प्रेस करता हूँ, तो तब ये फोटो मेन वर्कस्पेस में आ जाएगा। अब देख सकते हो ये जो स्किन है ये बहुत ही स्मूथ है, तो मुझे और स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यह पर आप देख सकते हो ये एक रेड पैच है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं ये रिमूव करूँगा। कैसे रिमूव करूँगा? पहले मैं कंट्रोल और जे प्रेस करके मैं एक लेयर नया वाला लेयर क्रिएट करूँगा, और ब्रश को चूज़ करके ब्रश का साइज़ सिलेक्ट करूँगा। फिर कलर पिकर टूल से मैं एक यूनिफॉर्म स्किन टोन चूज़ करके फ्लो और ओपेसिटी को चूज़ करके, जो ब्रश का जो फ्लो और ओपेसिटी है उसको चूज़ करके मैं ब्लेंड कर लूँगा। ये लाल जो कलर पैच आ रहा है वो रिमूव हो जाएगा। अब देख सकते हो फ्लो अगर आप ज़्यादा रखोगे तो वो बुरा लगेगा, तो फ्लो को आपको कम से कम रखना पड़ेगा। ओके, आप कंट्रोल जे प्रेस करके और एक लेयर मैं क्रिएट करूंगा, इसका नाम दूंगा बैकग्राउंड, क्योंकि मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क रहे ताकि जो सब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड से अलग दिखे, निखर के आए। तो इसलिए मैं पहले क्या करूँगा, कोई भी एक सिलेक्शन टूल को लेकर मैं सब्जेक्ट को चूज़ करूँगा, और कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके मैं सब्जेक्ट सिलेक्शन से बैकग्राउंड सिलेक्शन कर लूँगा, तो बैकग्राउंड में चला जाएगा सिलेक्शन। तब मैं क्या करूँगा, ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करूँगा और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बहुत चेंज करके मैं बैकग्राउंड का जो लाइट है उसको मैं एडजस्ट करूँगा। ये था पहले और ये था बाद में। ओके, अब ये जो तीन लेयर है इनको मैं एक ग्रुप में ले आऊँगा। आप कंट्रोल जी प्रेस करके भी आप नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। आप देख सकते हो नया एक लेयर मैं फिर से क्रिएट किया। अब मैं क्या करूँगा, इसका जो लेवल है इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करूँगा। ओवरऑल क्या होगा, जो इमेज है उनका ब्राइटनेस और शेडो एडजस्ट हुआ लेवल से। अब मैं कलर ग्रेड करूँगा ग्रेडियंट मैप से। ये टोन क्यों आ रहा है, क्योंकि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में यही टोन है। तो पहले मैं क्या करूँगा, ये वाइट और डार्क मैं पहले सिलेक्ट करूँगा। लेफ्ट वाला पोर्शन ब्लैक होगा, राइट वाला पोर्शन वाइट होगा, और मैं अब कलर ग्रेडिंग शुरू करूँगा। और ब्लेंडिंग मोड अपने हिसाब से मैं चूज़ करूँगा। मैं सॉलिड कलर या फिर मैं देख रहा हूँ सॉलिड कलर या फिर कलर किन में ही अच्छा लग रहा है, तो वही मैं चूज़ करूँगा। आप देख सकते हो स्किन टोन बहुत अच्छा लग रहा है, तो फ्लो और ओपेसिटी को मैं एडजस्ट करूँगा। उसके बाद मैं फिर से मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड का जो लुमिनेंस और ह्यू है मैं थोड़ा बहुत चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं फिर से सब्जेक्ट सिलेक्ट करके बैकग्राउंड को मैं सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके, और ह्यू सैचुरेशन को मैं एडजस्ट करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, एक नया लेयर क्रिएट करूँगा, और पत्तों के बीच में से जो ये
लाइट सोर्स है, मैं ये चूज़ करूँगा और मैं दिखाऊँगा कि यहाँ से लाइट आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आ रहा है। ओके, अब मैं सॉलिड कलर चूज़ करूँगा और पहले तो मैं चूज़ करके मैं क्या करूँगा, इसका ब्लेंडिंग मोड मैं बाद में चेंज करूँगा, पहले मैं फ्लो और ओपेसिटी को चेंज करके मैं रख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फ़ोटो में से एक कलर पिक करूँगा, कोई भी कलर फ़ोटो में से, मैं पत्तों में से एक कलर पिक कर रहा हूँ और अब मैं ब्लेंडिंग मोड चेंज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, ये था पहले वाला, ये था एडिटिंग के बाद। तो दोस्तों आप फाइनली देख सकते हो, ये था बिफोर एंड ये था आफ्टर। मैं पहले और एक एडिट किया था, आप वो भी देख लो, ये था पहले वाला एडिट। ये वीडियो कैसे लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक करना और ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।